सुप्रभात प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में इसको इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप जो हैं। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर देन 60 ईयर्स एगो। संविधान सभा द्वारा 60 वर्ष से पहले से भी अधिक निर्मित संविधान को हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए, यानी अगर 60 वर्ष पहले से भी अधिक बनाया गया संविधान है उसे हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे, पॉइंट वाइज का आंसर दिया गया है, क्यों स्वीकार करना चाहिए उसका कारण भी दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ए गैलेक्सी ऑफ इंडियंस, जो विधानसभा में भारतीयों की आकाश गंगा, यानी जो असेंबली बनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो एक आकाश गंगा की तरह थी, भारतीयों की आकाश गंगा की तरह थी। कैसे? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। विधानसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए इसका निर्वाचन मुख्यतः उस समय के प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा हुआ। सो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दिस एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट विद लीडर्स डिफरेंट ओपिनियंस। इन सोशल टर्म्स टू, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स कास्ट क्लासेस रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इसमें क्या दिया है कि इसने देश के सभी क्षेत्रों के सदस्यों के लिए न्यायपूर्ण भौगोलिक हिस्से की सुनिश्चित किया गया और सभी ने प्रमुखता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा ने प्रमुखता, सभा में जो प्रमुखता दी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, और सभा में विभिन्न भाषाओं जैसे कास्ट हैं यानी जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय, इन सभी के प्रतिनिधियों के सदस्य शामिल थे। सेकंड पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जो आलेख का प्रारूप था, ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आलेख का प्रारूप अथवा संविधान भी सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात विधानमंडल द्वारा, सभा द्वारा तैयार किया गया। इसमें थर्ड पॉइंट है वर्किंग पैटर्न ऑफ द असेंबली, जो सभा की कार्य प्रणाली की गई उसके बारे में बताया गया है, सभा की कार्य प्रणाली कैसे की गई। फर्स्ट पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर्स। विधानसभा ने योजनाबद्ध, उदारता तथा सर्वसम्मति से काम किया। सेकंड, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर निर्णय किया गया तथा उन्हें स्वीकार किया गया। थर्ड, देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप विचार विमर्श के लिए तैयार किया। फोर्थ, सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज बाय क्लोज। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर अनेक बार विचार विमर्श हुआ। ये आप सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद
याद करें।